शांति, मेरा नाम मोनिका पटेल है। मैं एक अदाकारा हूँ, टीवी एक्ट्रेस, थिएटर एंड फिल्म्स। आई डन सो मैनी फिल्म्स एंड सीरियल्स लाइक चिड़ियाघर, लापतागंज, बालिका वधु, कैसा ये इश्क है, कुमकुम, कुंती और काफ़ी सारी एपिसोडिक जैसे कि आती हैं हमारी, जो लोगों को बहुत पसंद की जाती हैं, जैसे कि सावधान इंडिया, फेयर फाइल, CID और क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह वगैरह। और फिल्म्स जो मैंने की हैं वो जानशीन, टाइम पास, एक्सक्यूज़ मी, 1920 द इवल रिटर्न एंड ऑपरेशन ग्रीन हंट, देवी। और अभी जो मेरी आने वाली जो दो फिल्में हैं, एक तो बधाई हो आयुष्मान खुराना के साथ और एक दूसरी जो है वो है ऑपरेशन ग्रीन टर्न और विजय राज के साथ जो है वाह जिंदगी। तो ये मेरा जो है फिल्मी करियर है जो मैंने, जो अभी भी मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो है नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का भी जो है मैं पिछले 7 साल से जो है अभ्यास कर रही हूँ। और राजयोग का नियमित अभ्यास से जो है मेरे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आया है, काफ़ी ठहराव आ गया है, चीज़ें जो हैं बहुत ही सहज लगने लगी हैं और हर रास्ता, हर काम जो है बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। क्योंकि जो है राजयोग मेडिटेशन जो है हमें वो जीने की कला सिखाता है, जो कि हमारे आर्टिस्टों में जो है इस चीज़ की बहुत कमी है। क्योंकि हमारी जो लाइन है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो इतना अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोगों को पता नहीं चलता कि आज उनके पास काम है, कल को अगर काम नहीं है तो उनको जो है किस तरह से अपने जीवन को, किस तरह से जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो इससे जो है राजयोग का हमें बहुत हेल्प करता है। तो और जीवन के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है हर्डल्स जो है आप चुटकियों में जो है उसको पार कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर लेती हूँ। और हमेशा ही आप मुझे जो है, चाहे वो मेरा किरदार हो, चाहे वो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आप मुझे ऐसे ही मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखेंगे, क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि मैं राजयोग का अभ्यास जो करती हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे जो है ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आइए और 7 डेज़ का जो है आप ये राजयोग का नियमित अभ्यास कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से, जिस तरह से मैं हंसते हुए गुजार रही हूँ, आप भी गुजारिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहते हैं कि नज़र बदलेगी तो नज़रिया बदलेगा, और नज़रिया अगर बदलेगा तो ज़िंदगी के नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। ओम शांति।